हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा और आपका स्वागत है मेरे चैनल लिविंग विद विभा पे। सो फ्रेंड्स, क्या आपके घरों में भी बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे, कांच के डब्बे और कुछ एल्युमिनियम टिन के डब्बे पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हो उन्हें फेंकने का? सो बिल्कुल ना फेंकिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग आइडियाज़ कि आप उन डब्बों को एज अ स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव DIYs से आप उन डब्बों को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में। इससे क्या होगा ना कि एनवायरनमेंट को तो हेल्प मिलेगी ही, एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से, और साथ ही साथ हमारा बहुत सारा पैसा और वक्त भी बचेगा वो नए ऑर्गेनाइजर्स खरीदने में। तो इसी नोट पे आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज की वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ना ये कांच की भरनी थी जो मैंने डीमार्ट से लाई थी और मेरे मेट के हाथ से टूट गई। सो मैंने क्या किया, सीमेंट लिया, वाइट सीमेंट, थोड़ा सा फेविकॉल लिया और थोड़ा सा पानी, ये तीनों को घोल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और एक बहुत ही थिक मिक्सर बना लिया। मिक्सर बनाने के बाद मैंने वो कांच की जार ली और इस जार को जहाँ पे वो टूटी हुई थी वहाँ पे ये वाइट सीमेंट वाला मिक्सर लगा दिया। सीमेंटिंग हो जाने के बाद जार को सूखने दीजिए 5 से 6 घंटे तक, और सूखने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। सो जार को लेने के बाद मैंने ना इसके ऊपरी हिस्से पे ना रस्सी बांधी, वो पतली जो सुतली होती है ना, थोड़ा पिंटरेस्ट वाला टच दे रही थी मैं, और नीचे मैंने क्या किया, वाइट एक्रेलिक पेंट से ये आधी जार को पेंट कर दिया। सो इसका पूरा लुक ना बहुत अच्छा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये बन गया मेरा पिंटरेस्ट वाला जार जिसको मैं प्लांटर के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ, हैंगिंग लालटेन के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ इसके अंदर टी लाइट कैंडल्स डाल के। सो वो भी मैंने ट्राई किया लेकिन वो कुछ मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने क्या किया, इसे प्लांटर के तौर पे यूज़ किया और इसके अंदर स्नेक प्लांट डाला। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं इसका क्लोज़अप व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। सो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कांच की टूटी हुई बॉटल का मैंने क्या किया। अब मेरे पास ना ऐसे 2 कैंडल के खाली जार्स पड़े हुए थे, उसमें पहले कैंडल्स थी लेकिन बाद में वो मतलब ख़त्म हो गई, यूज़ हो गई। सो मैंने क्या किया, एक कैंडल के जार को येलो पेंट किया, उसके ऊपर पतली सी रस्सी बांध के उसे एक क्यूट सा प्लांटर बना दिया, उसके अंदर एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट डाल दिया और ये एरिया कितना अच्छा लग रहा है इस छोटे से प्लांटर के साथ। सो ये मेरा एंट्री वे एरिया है। और उसके बाद ना जो वाइट कलर का जार था ना, ये कैंडल जार, उसको मैंने स्टैंडिंग कैंडल के तौर पर यूज़ किया है। मेरे पास है ना मोरोकैन लैम्प है, तो उसके अंदर स्टैंडिंग कैंडल बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर बहुत सारे वाइट पेबल्स डाले और उसके ऊपर टी लाइट कैंडल लगा दी और बन गया मेरा एक स्टैंडिंग कैंडल। तो फ्रेंड्स, ये बन गया मेरा स्टैंडिंग कैंडल इन मोरोकैन लैम्प। एकदम मॉनसून वाइब दे रहा है ये जो कैंडल है, और ये बहुत ही ईजी DIY है, एकदम पिंटरेस्ट स्टाइल DIY, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इवनिंग के टाइम पे ना कैंडल को ऐसे लिट अप करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइडियली इस मोरोकैन लैम्प में ना मैं फेरी लाइट्स लगा के रखती हूँ, उसे लिट अप करके रखती हूँ, लेकिन ये DIY भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा ये DIY। अब बारी आती है प्लास्टिक के डब्बों की, जो कि हम सभी के घरों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि मैं थोड़ा एंटी प्लास्टिक हो गई हूँ, लेकिन प्लास्टिक के डब्बे जो मेरे पास थे ना, मैंने क्या किया कि मैंने उन्हें वाइट कलर में पेंट कर लिया। डब्बों को तो मैंने वाइट कलर में पेंट कर लिया लेकिन उनके ढक्कन ना मुझे थोड़े शैबी लग रहे थे, रेड कलर के एंड ऑल दैट। सो मैंने क्या किया, ये ब्राउन कलर का मेरे पास पेपर था, वो ढक्कन के ऊपर मैंने रैप कर दिया और इसका टोटल जो ओवरऑल लुक है ना वो बहुत अच्छा आया है। सो
तो ये है मेरे Pinterest इंस्पायर्ड DIY प्लास्टिक के डब्बे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सारे कंटेनर्स। और अब मैं इनमें ना थोड़ा और डेकोरेशन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वो पतली रस्सी बांध दी है ताकि और थोड़ा एक एस्थेटिक टच दे रहा है। अब इन डब्बों में मैं रखूँगी ये नहाने के साबुन, जो बड़ा वाला जो डब्बा है उसमें मैं ये नहाने का साबुन रखूँगी, और जो छोटा वाला प्लास्टिक का डब्बा है उसके अंदर मैं लिक्विड डिटर्जेंट रखूँगी, जो कि कपड़े धोने के वक्त इस्तेमाल होता है, और ये सब मैं अपने बाथरूम में रखूँगी। और मेरे पास एक एल्युमिनियम का भी टिन था घी का, उसको भी मैंने वाइट पेंट करके उस पर ब्लैक लेबल लगा के उसमें मैंने डिटर्जेंट भर दिया, पाउडर डिटर्जेंट। और अब आप देख सकते हैं ये सारे डब्बे कितने एस्थेटिक लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है ना, एकदम Pinterest इंस्पायर्ड आइडिया फॉर दीज जार्स। सारे जार्स को नेमिंग करने के बाद अब मैंने इन जार्स को प्लेस कर दिया है अपने बाथरूम के शेल्फ पे, और ये है ओवरऑल लुक। मैं कितनी सैटिस्फाइड हूँ, कितनी हैप्पी हूँ कि फाइनली जो मैंने सोचा था ना वैसा ही कुछ आउटकम आया है। और मेरे पास एक और जार था प्लास्टिक का जिसके अंदर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए थे, तो मैंने एसीटोन लिया, एसीटोन और कॉटन लिया, और एसीटोन से मैंने वो जितने भी स्टिकर के दाग थे ना वो मैंने निकाल दिए। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं एसीटोन से ये सारे दाग। और दाग निकालने के बाद ना मैंने इसे भी बहुत ही एस्थेटिक टच दिया, इसे ब्राउन कलर के पेपर में ना लपेट कर इसको स्टिक कर दिया ब्राउन पेपर इस डब्बे पे। ये जो प्लास्टिक का डब्बा था ना ये मुखवास का डब्बा था, जो मुखवास खाते हैं ना खाने के बाद मीठे वाले, वो डब्बा था। तो उसमें बहुत सारे मतलब खाने थे, बहुत सारे सेपरेटर्स जिसे कहते हैं। सो मैंने इसे नेल्स रखने के लिए यूज़ किया अलग अलग, जैसे कि वो खिले होते हैं बाद में जो हुक्स होती हैं, और रबर बैंड्स, जो छोटी मोटी निक नैक आइटम्स, वो मैंने इस डब्बे में रख दिया। ओवरऑल ये डब्बा ऐसा दिखता है, मैंने इसे भी ब्लैक कलर का लेबल करके नेमिंग कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ उतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे DIYs अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा DIY ट्राई करने वाले हैं। दिस इज़ विभा साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे, बाय।